हे गाइस, आज हम स्पाइडरमैन नो वे मूवी के बिहाइंड द सीन देखने वाले हैं। चलिए शुरू कर दें, लास्ट तक बने रहना। ये बिहाइंड द सीन तब का है जब सबको पता चलता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तो उसकी गर्लफ्रेंड को सब घेर लेते हैं। तब पीटर आके वहाँ से उसे ले जाता है एक टावर पर, बट वो टावर नहीं होता, वो एक सीजीआई की मदद से बनाया गया होता है। ये भी एंड सीन तब का है जब पीटर के घर के बाहर सब पुलिस के हेलीकॉप्टर आए हुए होते हैं, और आप देख सकते हैं कि खिड़की के यहाँ ब्लू बैकग्राउंड लगाया गया है। ये भी एंड सीन तब का है जब पीटर हैप्पी के घर पर होता है और अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है कि हमें MIT जाने का मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि पीटर स्पाइडरमैन है, सबको पता चल चुका था। ये सीन तब का है जब MIT कॉलेज से तीनों को लेटर आया था कि हाल ही में हुई कॉन्ट्रोवर्सी के कारण हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। पीटर की गर्लफ्रेंड और उसके फ्रेंड का भी एडमिशन रिजेक्ट हुआ। ये सीन तब का है जब पीटर पार्कर स्टीपन से मदद मांगने के लिए जाता है कि किसी को पता ही ना चले कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। ये सीन एक हवेली पे शूट किया गया था और ये बर्थ कंप्यूटर जनरेटर की मदद से क्रिएट की गई थी। ये सीन तब का है जब स्टीपन पीटर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है कि पूरी दुनिया भूल जाएगा कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। ये सीन किसी गुफा में शूट नहीं किया गया था, इसका सेट तैयार किया गया था और स्टीपन ने जो लाइंस क्रिएट की गई थी वो VFX की मदद से की गई थी। इसमें जब मंत्र बोलने में गड़बड़ी हुई थी तभी दूसरी दुनिया के सारे मॉन्स्टर और स्पाइडरमैन हमारी दुनिया में आए थे। इस बिहाइंड द सीन में आप देख सकते हैं कि ब्रिज का फाइट सीन है। आप इसमें देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में ब्लू स्क्रीन लगाई गई है, बाद में वहाँ ब्रिज का मॉडल डाले जाएंगे। डॉक्टर रॉकेट के पीछे जो ऑक्टोपस जैसे हाथ है वो 3D मॉडलिंग से बनाए गए हैं। बाद में उसमें टेक्सचरिंग, लाइटिंग इफेक्ट्स, एनिमेशन किया जाता है, और यहाँ पर आग वाले सीन, गाड़ी फोड़ने वाले सीन सब इफेक्ट्स की मदद से डाले जाते हैं। आप इसके CGI देख सकते हैं। ये सीन तब का है जब पीटर स्टीपन को बोलता है कि इन मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए मुझे अपने दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। इस सीन में आप देख सकते हैं कि पीटर वो बॉक्स लेके भाग रहा है क्योंकि स्टीपन उसका बटन दबाकर सब कुछ खत्म करना चाहता है। आप इस घर के बाहर के ब्लू स्क्रीन को देख सकते हैं कि जहां पर ब्लू स्क्रीन लगाई गई है वहां पर इफेक्ट डाले गए हैं। ये भी एंड सीन तब का है जब सारे मॉन्स्टर हैप्पी के घर पर होते हैं। उनमें से नॉर्मन ऑस्पॉट नाम का जो बेमिसाल साइंटिस्ट है वो मॉन्स्टर में बदल चुका था। वहाँ पर वो बॉक्स लेके भागना चाहता था, बट पीटर और मॉन्स्टर के बीच हाथापाई के दौरान पीटर की मॉम में कुछ चोट आ जाती है और उनकी मौत हो जाती है। तब पीटर नॉर्मन ऑस्पॉट के ऊपर भूखों से भर जाता है। आप इस भी एंड सीन में देख सकते हैं। ये भी एंड सीन तब का है जब सारे मॉन्स्टरों को पीटर ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी के यहाँ बुलाया गया था। आप इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के CGI देख सकते हैं। यहाँ पर जो स्पाइडरमैन की बॉडी है वो CGI के थ्रू की गई है, और आप स्पाइडरमैन के बॉडी के CGI देख सकते हैं। भी एंड सीन तब का है जब पीटर के फ्रेंड से गलती से पोर्टल खुल गया था और वो पोर्टल डायरेक्टली स्टैचू ऑफ लिबर्टी के यहाँ खुलता है, तब उसमें से छिपकली वाला मॉन्स्टर आ गया था उनके लैब में। आप इस लैब के CGI देख सकते हैं। इस सीन में आप देख सकते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पीछे ब्लू बैकग्राउंड है और उसका एक सेट तैयार किया गया है और बाद में वहाँ पर शूट किया गया है। दोनों पीटर खड़े वहाँ पर भी ब्लू बैकग्राउंड है, बाद में वहाँ इफेक्ट डाला जाएगा जहाँ पर जो बिजली और रेत के इफेक्ट वो इफेक्ट की मदद से डाले जाते हैं। आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी के CGI देख सकते हैं। असलियत में जहाँ पर पीटर खड़ा है उसके पीछे ब्लू बैकग्राउंड है, बाद में वहाँ पर जो हमें इफेक्ट चाहिए वो डाला जाता है। जो नॉर्मन ऑस्पॉट नाम का साइंटिस्ट है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर अपने बॉम्ब फेंकता है, वो CGI की मदद से क्रिएट किए गए हैं। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर कैप्टन अमेरिका की शील्ड लगी होती है वो पानी में गिर जाती है, तो आप उसके CGI देख सकते हैं। ये भी एंड सीन स्टैचू ऑफ लिबर्टी का स्टीपन पीटर से पूछ रहा होता है कि हम इन मॉन्स्टरों को कैसे रोके। इस सीन में आप देख सकते हैं कि जब स्पाइडरमैन फाइट के लिए एंट्री मारते हैं तो उनके पीछे ब्लू बैकग्राउंड होता है, वह बाद में पीछे इफेक्ट डाला जाता है।
इसमें आप देख सकते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के 3D मॉडल तैयार किए गए, बाद में उसमें मॉडल में स्ट्रक्चरिंग होगी, रात और दिन के हिसाब से लाइटिंग की जाएगी, उस मॉडल में एनिमेशन होगा, फिर एफएक्स आर्टिस्ट पानी और आग के हिसाब से पानी और आग दिखाया जाएगा। इन 5 कामों के बाद काम आता है कंपोजिटिंग का। ये सभी काम होने के बाद इन सभी को जोड़ के हमारा मॉडल तैयार हो जाता है, यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये भी इंटरेस्टिंग तब का है जब तीनों पीटर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर होते हैं और बोलते हैं कि पीटर और पीटर, तो तुम लेफ्ट जाओ तुम राइट जाओ। और आप देख सकते हैं कि इनके पीछे ब्लू बैकग्राउंड है, बट मूवी में इनके पीछे स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई गई है, बट बाद में ब्लू बैकग्राउंड को हटा के CGI की मदद से स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मॉडल डाला जाता है। ये सीन तब का है जब पीटर की गर्लफ्रेंड MJ ऊपर से नीचे गिरती है, तब दूसरा पीटर उसे बचा लेता है। ये बेस्ट सीन किसी को ना पता हो कि ये बिहाइंड द सीन मूवी के एंड का है। नॉर्मन ऑस्पॉट और पीटर के बीच में लड़ाई हो जाती है कैप्टन अमेरिका के शील्ड पर, तब पीटर भुक्कों से नॉर्मन ऑस्पॉट पर भर जाता है, पीटर उसे मारने वाला होता है, पीटर बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है। आप देख सकते हैं कि इनके बाजू में और पीछे ब्लू बैकग्राउंड लगाया गया है। ये बिहाइंड द सीन मूवी के एंड का है, वो डायमेंशन खुल रहा होता है, उसमें से मॉन्स्टर आ रहे होते हैं इस दुनिया में, तब पीटर स्टीफन को बोलता है कि पूरी दुनिया बोल दी है कि पीटर पार्कर कौन है, तब स्टीफन पीटर को बोलता है कि तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तब पीटर आखिरी बार अपनी गर्लफ्रेंड MJ से मिलने जाता है और अपने फ्रेंड से। ये सीन किसी असली जगह पर शूट किया गया नहीं है, एक सेट पर इनकी एक्ट की गई है, इनके पीछे ब्लू बैकग्राउंड था, बाद में वहाँ पर CGI की मदद से इफेक्ट डाला गया है। जो स्पाइडरमैन की बॉडी है उसका भी मॉडल बनाया गया है, उसमें भी मॉडलिंग और टेक्चरिंग यानी कलर किया जाता है, बाद में पीटर की रियल बॉडी से रिप्लेस किया जाता है। आप इसके CGI देख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, हम ऐसे नए नए वीडियो लाते रहते हैं मेरे चैनल पर। आयरन मैन 3 के बिहाइंड द सीन से आप जाके देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन के बॉडी के और बिल्डिंग के 3D मॉडल बनाए जाते हैं, बाद में उसमें टेक्चरिंग और लाइटिंग की जाती है।